हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सचिन यादव टेक्निकल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताना चाहता हूँ आपको एक व्हाट्सअप के ऐसे मोड के बारे में जिसको डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद आप व्हाट्सअप को एक प्रो की तरह यूज़ कर पाएंगे, अपनी प्राइवेसी को छिपा पाएंगे दूसरों से, और दूसरों को मतलब कि सब कुछ देख लेंगे फिर भी उसको कुछ पता नहीं चलेगा। अगर आप भी करना चाहते हैं ऐसा तो वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि ऐसा मैं इसमें क्या बताने वाला हूँ, तो आपने देखा होगा व्हाट्सअप पर वीडियोज़ वगैरह आती हैं कि एंटी डेट मैसेज मतलब कि डिलीटेड मैसेज को हम व्हाट्सएप पर कैसे देख सकते हैं, अपनी ब्लू टिक वगैरह को कैसे छिपा सकते हैं, वैसे वैसे करके काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आते हैं। तो फिर ये वीडियोस वगैरह भी बनी हुई है काफ़ी ज़्यादा कि हम इनको कैसे मतलब कि छुपा सकते हैं, रिकॉर्डिंग को ऑप्शन को कैसे हटा सकते हैं, ग्रुप की प्राइवेसी को कैसे लगा सकते हैं। तो फिर इसके बारे में मैं पूरा डिटेल बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दूँ कि ये सभी आपको केवल एक एप्लीकेशन के अंदर मिलने वाली है जो कि आपको 46 MB के आसपास मिलेगी और आपको उसे इंस्टॉल करना है। अब जो एप्लीकेशन क्या होगी आप सोच रहे होंगे, तो फिर उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हालांकि वो एक व्हाट्सअप का मोड है जो कि तैयार किया गया है और मेरे पास मतलब कि मेरे कुछ एक फ्रेंड्स वगैरह ने भेजा है, तो फिर मैंने सोचा कि इस पर मैं वीडियो बनाऊँ क्योंकि यूट्यूब पर मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं था। तो फिर आप भी इसको देखने के बाद हैरान हो जाएंगे कि ये व्हाट्सअप का काफ़ी कमाल का मोड है जो कि मुझे लगा अपने हिसाब से आपको भी ये मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर आप इसका लोगो देख सकते हैं, यो व्हाट्सएप के नाम से इसका लोगो है। बिल्कुल लुक आपको व्हाट्सएप के ओरिजिनल ऐप की तरह ही लगेगा। यहाँ पर देख सकते हैं शुरुआत में जब आप व्हाट्सएप को ओपन करेंगे तो भी ऐसा ही इंटरफेस दिखाता है जब आप उसमें साइन वगैरह नहीं करते हैं। तो सिंपली इसमें मैं एक अकाउंट बना लेता हूँ और उसके बाद आपको इसके फीचर्स वगैरह के बारे में बताऊँगा कि आप क्या क्या कर सकते हैं इस व्हाट्सएप के अंदर। दोस्तों, ये जो व्हाट्सएप है ना, इसमें आप अपना खुद का थीम लगा सकते हैं। यहाँ पर कोई भी कलर का थीम लगा सकते हैं। अगर आप इस कलर से बोर हो चुके हैं तो उस पर भी आप थीम लगा सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी अलग से एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करनी, सब कुछ इसी के अंदर इनबिल्ट है। तो अभी एक बार साइन अप हो जाता है उसके बाद मैं आपको इसके फीचर्स के बारे में बताऊंगा कि क्या 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 अमेजिंग फीचर्स इस व्हाट्सएप के अंदर हैं। मुझे मालूम है कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। तो अभी ये वेरिफिकेशन हो चुका है, अभी चलेंगे अगली तरफ। तो नेक्स्ट देख सकते हैं ये यहाँ पर आ गया, कौन कौन ऑनलाइन है, जो भी ऑनलाइन होगा आपको ऐसे पॉपअप मिल जाएगा यहाँ पर। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये जो व्हाट्सएप है आपका डाटा वगैरह लीक कर देगा, तो इसमें आपको कोई भी घबराने की बात नहीं है क्योंकि यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला है। मैं भी इसको काफ़ी हद से यूज़ कर रहा हूँ और मैं आपको सच बताऊँ ना तो मैं इस व्हाट्सएप के बारे में किसी को बताना नहीं चाहता था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये अपने सब्सक्राइबर को तो बता ही दूँ क्योंकि वे भी हमारे ही भाई हैं, उनको बताने में क्या जाता है। तो फिर इसी कारण से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा एक दूसरा अकाउंट है, तो ये मेरा दूसरा अकाउंट है और जिससे मैं साइनअप हुआ हूँ वो मेरा दूसरा अकाउंट है। मेरा जो दूसरा अकाउंट है वो ये वाला है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला अकाउंट मेरा दूसरा अकाउंट है सचिन आइडिया के नाम से, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस पर मैं आपको अभी एक कुछ एक फीचर्स बताता हूँ। तो जब आप इन टिक्स पर क्लिक करते हैं व्हाट्सएप के, तो देखिए कहाँ कितने सारे ऑप्शंस यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। और व्हाट्सएप बिजनेस की जो एप्लीकेशन की बात करें या फिर व्हाट्सएप का ही लगा लो, ये व्हाट्सएप के ये बिल्कुल कॉपी ही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने ज़्यादा ऑप्शंस आपको मिलते हैं, कम ऑप्शंस मिलते हैं यहाँ पर और यहाँ पर आपको ज़्यादा ऑप्शंस मिलते हैं क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फीचर्स वगैरह हैं। और जब ये प्लस का आइकन है और जो व्हाट्सएप पे क्लिक करें तो यहाँ पर ये केवल एक चैट का ऑप्शन है। तो आपको दिखा देता हूँ इस प्लस के आइकन पर क्या क्या है। देख सकते हैं यहाँ पर अलार्म भी सेट कर सकते हैं, कोई ये पता नहीं क्या, मुझे भी ये आपकी एप्लीकेशंस की लिस्ट वगैरह आ गई, प्रोफाइल फोटो वगैरह की डिटेल्स आ गई कि क्या क्या डिटेल्स किसने कब कब अपडेट की हैं। और उसके बाद ये जो थीम का ऑप्शन है ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद लगा क्योंकि ये जो सेटिंग्स है ये बिल्कुल देखिए क्या क्या ऑप्शंस यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, देख सकते हैं। मुझे इनके मतलब कि काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस के बारे में तो पता भी नहीं है। योवा विडगेट वगैरह लगा सकते हैं, देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है ये भी। पासवर्ड सेट कर सकते हैं इसमें, ये बहुत अच्छी बात है। और शेयर का ऑप्शन आपको मिल जाता है अगर आप फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहते हैं। तो कन्वर्जेशन स्क्रीन, पता नहीं दोस्तों ये काफ़ी कुछ ऑप्शंस हैं, अभी तो आप इनको चेकआउट कर लीजिएगा, मैं वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी वरना। तो अभी आपको इसके चैट जो जब हम करते हैं तो उसके मैं आपको प्रो फीचर्स बताने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं कुछ भेजता हूँ हाय, तो अभी मेरे दूसरे व्हाट्सएप का ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं, हाय आ चुका है और मैं इसको जाकर देख भी सकता हूँ। देखिए हाय का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। और अगर मैं यहाँ से भेजूँ हाय, और अगर जैसे कि कोई अलग बंदा आपको भेजता है मैसेज और वो कर देता है उसको डिलीट,
उसके बाद देखते हैं कि हमें मैसेज मिलता है या नहीं मिलता। वीडियोस बाकी जो यूट्यूब पर वीडियोस हैं उनमें क्या बताया जाता है कि आपको नोटिफिकेशन सेव हो जाएगा, फिर आप जाकर व्हाट्सअप को मतलब कि मैसेजेस को देख सकें कि क्या क्या नोटिफिकेशन आया था। तो उस झंझट में मैं आपको डालने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। सिंपली आप यहाँ पर जाइए, अपना जो यो व्हाट्सअप है उसको ओपन कीजिए। यहाँ से आपको एक सेटिंग करनी पड़ेगी, यहाँ पर आपको प्रोफाइल पर क्लिक करके कस्टम प्राइवेसी का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो जो मैंने आपको बातें शुरुआत में बताई थी कि आप रिकॉर्डिंग स्टेटस वगैरह सब कुछ हाइड कर सकते हैं, अपनी प्राइवेसी को बिल्कुल हैकर की तरह छुपा सकते हैं, तो बिल्कुल सभी को टिक कर दीजिए। अगर आप किसी को ये भनक भी नहीं लगने देना चाहते कि आप ऑनलाइन आए थे, आपने कुछ उसके बारे में देखा, उसके स्टेटस को देखा, प्रोफाइल फोटो को देखा वगैरह, कुछ भी उसको पता नहीं चलेगा। और अगर वो आपको मैसेज भेजता है तो आपको सभी शो हो जाएंगे। तो देखिए सेटिंग मैंने अप्लाई कर दी है। अब हम यहाँ पर दोबारा मैसेज भेजेंगे, कोई मैसेज मैंने सेंड कर दिया, यहाँ पर आप नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं यो व्हाट्सअप का। अब मैं इसे कर देता हूँ एक बार डिलीट, कर दिया डिलीट मैंने यहाँ से। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ सेटिंग अप्लाई करने के बाद, देख सकते हैं कुछ ऐसा आया जो कि सेटिंग अप्लाई करने से पहले आपको यहाँ पर दिखा रहा था कि दिस मैसेज वॉज डिलीटेड। तो दोस्तों सेटिंग्स को अप्लाई ज़रूर कर लीजिएगा। और आप देख सकते हैं ये जो मैसेज है यहाँ से मैंने डिलीट कर दिया है, ना ही मैंने कोई अलग एप्लीकेशन खोली, ना ही कुछ और किया, बिल्कुल सिंपली अपने यो व्हाट्सएप में देख सकते हैं यहाँ पर सेटिंग्स को अप्लाई किया और ये हमारा शुरू हो चुका है। और यहाँ पर आप कुछ भी देख सकते हैं, सिक्योरिटी लगा सकते हैं यहाँ पर, पिन या पैटर्न के लगा से फिंगरप्रिंट लगा करके दिखा देता हूँ आपको। अब कोई भी आपके चैट को ओपन करेगा यहाँ पर देख सकते हैं लोग फिंगरप्रिंट मांग रहा है, फिंगरप्रिंट देना होगा। अगर आपके में फिंगरप्रिंट नहीं है तो आप पिन या पासवर्ड लगा सकते हैं, पैटर्न वगैरह जो भी इसमें था। तो देख सकते हैं सिक्योरिटी ऑफ होगी, पैटर्न या फिर पिन आप लगा सकते हैं यहाँ पर। और भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस है, यहाँ पर एक ऑप्शन था हाइड कॉन्टैक्ट नेम, तो आप देख सकते हैं हाइड कॉन्टैक्ट नेम पर मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ से मेरा व्हाट्सअप का जो कॉन्टैक्ट नेम था हाइड हो चुका है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लिक करने पर, अगर आप ग्रुप में, ये ज़्यादातर काम आता है कि जब ग्रुप में आप आते हैं और कोई भी मतलब काफ़ी ज़्यादा बंदे वगैरह जुड़े रहते हैं, कोई आपका परिवार वाला उनको देखता है, मतलब कि कुछ भी समझ ले, कोई भी रीज़न लगा लीजिए, उनके आप कॉन्टैक्ट को छुपा सकते हैं। बिल्कुल काफ़ी अच्छी प्रो वाली सेटिंग्स हैं ये। तो फिर उम्मीद करता हूँ आपको ये जो वीडियो ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। और अभी मैं इस व्हाट्सएप के लिंक को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप यहाँ से जाकर उसकी सेटिंग्स वगैरह को चेकआउट कर लीजिएगा कि क्या क्या इसमें सेटिंग्स है। और भी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट को आप ज़रूर एक बार विजिट कीजिए, क्योंकि वहाँ पर ऐसे ही काफ़ी ज़्यादा मोडेड वगैरह एप्लीकेशंस मिलती रहती हैं। तो मैं ये आपको बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ कि आप यो व्हाट्सएप को यूज़ कीजिए, मोड एप्लीकेशन को यूज़ कीजिए, मैं बस आपको बता रहा हूँ ये ट्रिक वगैरह बेसिक्स जो हैं आपको पता रहनी चाहिए कि आप इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे अच्छी तरह से एक प्रो के रूप में इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर अब उम्मीद करता हूँ आपको ये जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारी यूट्यूब चैनल सचिन यादव टेक्निकल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोज़ मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।